हिंदी सिनेमा के वो जानी मानी एक्टर्स जिन्होंने बैक टू बैक हिट फिल्मों में काम किया है। जितेंद्र संग भी उनकी केमिस्ट्री को पसंद किया गया था। मेकर्स उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए बेताब रहते थे, लेकिन एक हादसे ने एक्टर्स के करियर को बर्बाद कर दिया और वह देखते ही देखते इंडस्ट्री से दूर हो गई और सफल बिजनेस वूमेन बन गई। बॉलीवुड के सुनहरे दौर यानी 80 के दशक की वो पॉपुलर एक्टर्स तल्लूरी रामेश्वरी हैं। सांवला रंग होने के बावजूद भी रामेश्वरी ने अभिनय की दुनिया में अपनी शानदार एक्टिंग से अपनी अलग पहचान बनाई थी। एक्टर सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ ही रही थी कि अचानक उनकी किस्मत ने ऐसी करवट ली, उन्हें काम मिलना बंद हो गया। यहाँ वो मेकर्स की पहली पसंद बन गई थी, वहीं उन्हें कोई फिल्म ऑफर नहीं हो रही थी। देखते ही देखते वे इंडस्ट्री से दूर हो गई। काफी समय बाद उन्होंने पंजाबी फिल्मों के निर्देशक से शादी की, लेकिन फिर भी पंजाबी फिल्मों में काम नहीं किया। वजह चौंकाने वाली है। रामेश्वरी ने 80 के दशक में काफी पॉपुलैरिटी हासिल की थी। यहाँ एक्टर्स को अक्सर सांवले रंग के वजह से कई बार रिजेक्ट कर दिया जाता था। वहीं एक्टर्स ने अपने सांवले रंग से ही लोगों का दिल जीत लिया था। एक्टर्स ने फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई में ऐसी एक्टिंग की कि वह रातों रात स्टार बन गई। इस फिल्म के बाद बड़े बड़े प्रोड्यूसर भी उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए बेताब रहते थे। देखते ही देखते एक्टर्स रातों रात स्टार बन गई थी। लोगों ने रामेश्वरी को राजश्री की हमशक्ल कहना शुरू कर दिया था। रामेश्वरी ने अपने करियर में मिथुन और जितेंद्र जैसे बड़े स्टार के साथ काम किया। एक्ट्रेस ने जितेंद्र और रीना रॉय की सुपरहिट फिल्म आशा में भी दमदार किरदार निभाया था। इसके अलावा 1978 में मिथुन के साथ भी वह फिल्म मेरा रक्षक में नजर आई थी। उनकी यह फिल्म भी हिट साबित हुई थी। अपने सक्सेस के दौर में रामेश्वरी की जिंदगी में एक बुरा मोड़ आया जब उनकी किस्मत ने ऐसी करवट ली कि वह एक्ट्रेस घोड़े से गिर गई और उस हादसे में उनकी एक आंख में काफी चोट आई थी। इस घटना के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें सर्जरी कराने के लिए न्यूयॉर्क भेज दिया। देखते ही देखते तबाह हो गई उनकी जिंदगी। उनके हाथ से कई फिल्में निकल गई और उन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। बता दें कि करियर में ऐसे उतार चढ़ाव देखने के बाद रामेश्वरी ने जाने माने पंजाबी एक्टर प्रोड्यूसर दीपक सेठ से शादी रचा ली, लेकिन कभी पंजाबी इंडस्ट्री में काम नहीं किया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रामेश्वरी को पंजाबी फिल्म ज्वाइन करने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। जब एक्ट्रेस फिल्मी दुनिया से दूर एक बिजनेस वूमेन बन चुकी थी, रामेश्वरी स्किन केयर स्टार्टअप बिजनेस में है और दोनों बेटे और पति के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही है। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।